हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लगता नहीं कि हुकूमत अगला साल का सूरज देख पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पेराचा। आज फैसलाबाद हमीदुद्दीन सियालवी की गैदरिंग में बिल आखिर इस्तीफे आ गए, लेकिन कितने आए? 2 MNAs और 3 MPAs। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या यही इस्तीफे हैं जो आ गए या ये सिलसिला अब आगे चलता रहेगा। दूसरी तरफ कुछ कराची वालों के भी इस्तीफे आ गए, बाबर गौरी और शमीम सिद्दीकी साबिक वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने भी इस्तीफे दिए अपने साथियों के साथ और ये भी कह दिया कि MKM पाकिस्तान यानी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की पार्टी और PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी दोनों लाचार हैं। राणा सनाउल्ला के इस्तीफे के हवाले से आज फैसलाबाद में इस्तीफे आए, राणा सनाउल्ला ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये इस्तीफे आ गए। तो क्या अब एक शख्स, वो कोई भी शख्स हो, वो किसी ग्रुप के सामने अगर अपना ईमान साबित नहीं कर सकता तो ये क्या सिलसिला चलेगा कि फिर उनके इस्तीफे मांगे जाएंगे? ये हमारे मौजूदात मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है MKM के रहनुमा कामरान टिसोरी साहब ने, बहुत शुक्रिया ने वक्त दिया। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वो दौरे पे निकले हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप फैसलाबाद में आपने वक्त दिया। और मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है PTI के तर्जमान मरकजी रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। बल्कि प्रोग्राम का आगाज ही मैं आपसे करता हूँ। आप सुबह हमें नवीद सुना रहे थे कि ये यानी नून लीग की गवर्नमेंट अगले साल की सुबह नहीं देख सकेगी, यानी इसी महीने ख़त्म हो जाएगी। अगर ये दारोमदार इस्तीफों पे था आपकी कंटेंशन का, तो 2 MNA और 3 MPA? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज के इस्तीफों के कंटेंशन के ऊपर तो नहीं था, और दूसरी बात यह है कि 2 MNA और 3 MPA पे नहीं होते। इससे ज़्यादा जो है वो झटका बिगिनिंग जो है वो इतना से ही होती है। इससे पहले 22 लोगों को PMLN ने नोटिसेस जारी किए हैं वोट ना देने के ऊपर, जो सेक्शन 203 की अमेंडमेंट थी। वो जो कंटेंशन मेरी है वो किसी एक इंसिडेंट के ऊपर नहीं है, वो एक ओवरऑल मुल्क की जो सियासी सूरत हाल जिधर जा रही है उस तरफ इशारा है। और जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस पाकिस्तान में एक इंतज़ामी बहरान बढ़ रहा है, ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी, खैर मुद्दत तो खैर तकरीबन पूरी हो ही गई है, जो 2-4 महीने ये जो इलेक्शंस के ऊपर डिले करना चाह रही है वो मैं समझ पाएगी, और इंशाल्लाह हम अप्रैल से पहले आम इंतखाबात जो है वो देखेंगे। ये हल्का बंदियों के बारे में भी आपने बात की सुबह के, अगर नहीं भी होती हल्का बंदियां तो आइन का आर्टिकल तो आपने कोट किया 51 को ना भी छेड़ा जाए, लेकिन कल यही कहा जा रहा है कि कल हल्का बंदियों का बिल सेनेट में पेश होगा और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है अगले इलेक्शन के लिए। तो आप चूंकि तर्जमान हैं, मैंने कहा इस्तीफों से हट के भी ये आपसे पूछ लूँ, क्या PTI कल या परसों सेनेट में हल्का बंदियों के आइनी तरमीम के बिल में वोट देगी? देखिए, पहली बात तो यह है बराजा साहब के ये जो सेंसेस है या मर्दमशुमारी है, इस अमल की हम हमायत करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो सेंसेस हुआ है इसमें जो 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 नतायज हमारे सामने आए हैं वो दुरुस्त हैं। अब इससे आगे चलें और जो डिलिमिटेशंस का मामला है उस तरफ आ जाइए। असूली तौर के ऊपर ये डिलिमिटेशंस होनी चाहिए थी और इस हुकूमत ने पिछले साल
नतज आने थे जो एक साल डिले किए और अब एक साल बाद आके तो इस वक्त जो है ये रो रहे हैं और हर रोज हमें बताते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश हो गई है जिसके बाद इलेक्शन जो है जिसके ऊपर रुक सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 224 बिल्कुल वाजे है जो कहता है कि जब जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन के अंदर होंगे असेंबली टूटने के। आर्टिकल 50 वो कहता है लास्ट ऑफिशियली पब्लिश सेंसिस में होंगे। सो अगर लेकिन असेंबली कैसे टूटेगी ये सेंसिस? चोर साहब असेंबली टूटेगी ये सेंसिस अगर नहीं होता, अगर ये सेंसिस नहीं होता और हमें अप्रैल मई पड़ता है तो अप्रैल मई तक तो ये सेंसिस के नतीजे सामने नहीं आए। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी इंतखाबात कराने चाहिए ताकि आईनी बहरान पैदा ही नहीं हो। अभी तो ये आईनी बहरान कहीं नहीं है, ये जाके पैदा होगा मई में। अगर मई जून में अगर ये जो मरदमशुमारी के नतीजे है ये ऑफिशियली होता है और उसके बाद इंतखाबात का और आर्टिकल 51 और 224 का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी जो मेरी नज़र में नहीं है तो होगा। अभी तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इसलिए जो इंतखाबात हैं वो जल्दी कराना पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के भी मुफाद में है। और ये जो हुकूमत ने दौड़ लगाई हुई है ये तो इसे दौड़ लगाई हुई, मुझे आप बताएं 3 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाना है। और फिर सेनेट की अगर ये इंतखाबात की बात करते हैं तो जब परवेज मुशर्रफ साहब एक ही असेंबली से जाने वाली असेंबली से दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे थे तो उस वक्त भी आईनी रुकावट तो नहीं थी। इसी नुक्ते पर पार्लियामेंट अगर जा रही है, आपने आईनी सूरत हाल से हमें आगाह किया, आप एक लीडिंग लॉयर भी हैं, इसी नुक्ते पर रहिएगा। बैक टू दी इस्तीफे, बैक टू दी रेजिग्नेशन, इस्तीफे आ गए, वो कह रहे हैं एक बिगनिंग है। 20-22 लोगों को तो नोटिस दिया आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी नून लीग राजा पार्टी तो बिल्कुल कंसर्न होती है। अगर एक भी पार्लियामेंटेरियन अगर इस तरीके से इस्तीफ़ा देता है तो उसके ऊपर कंसर्न तो होता है, मगर मैं समझता हूँ ये एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। और आखिरी जब लास्ट ईयर जब इलेक्शन का होता है तो बहुत सारे नहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लाजमी है कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ जो है वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अमल नहीं होता है तो वो खुश नहीं भी होते हैं। तो वो एट लास्ट मोमेंट के ऊपर जब आखिरी मोमेंट होता है तो वो अगर उनको और कोई जहन मिशन करना होता है तो वो टाइम ढूंढते हैं कि कौन सा टाइम है जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा और उस टाइम पे हम किसी न किसी अपनी कैलकुलेशन करके इस्तीफे दे कैलकुलेशन करके इस्तीफ़ा देते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जिसकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी 2/3 मेजॉरिटी प्रोविंस के अंदर भी हो, फेडरल गवर्नमेंट में भी हो और ये 4-5 एक भी इस्तीफ़ा अहमियत रखती है मगर उसके ऊपर कोई होता है। रही बात फवाद चौधरी साहब की, भाई की जो है वो ख्वाहिश तो पीटीआई की हमेशा रही है कि ये हुकूमत तब तक ख़त्म होती रहे, तब तक हुकूमतें टूटती रहें जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मैं नहीं समझता हूं कि इस जन्म में, हमारे पास जन्म कहते हैं इस लाइफ में, इमरान खान की हाथों की लकीरों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हमने फैसला करना नहीं। इसी तो इस वजह से ख्वाहिशात के ऊपर डिज़ायरेबल और ड्यूएबल, तो डिजायरेबल तो हो सकता है मगर ड्यूएबल इसी नुक्ते पर और टाइम लगेगा इलेक्शन। दूसरी चीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम टेन्यूअर के ऊपर, हाँ गवर्नेंस के ऊपर बात करनी चाहिए, गवर्नेंस के ऊपर बात करनी चाहिए मगर टाइम फ्रेम के ऊपर कि आप अपना टेन्यूअर पूरा करें, परफॉर्मेंस को देखें। इनके पास कामरान टेसूरी साहब मैं आपकी तरफ तो हो गई है और क्या, आप अपना आपको हम अगला 5 साल भी दे दें बस इलेक्शन वो फवाद भाई क्या करें, मजबूरी ये है कि पाकिस्तान की आवाम दूसरे 5 साल भी पीएमएलएन को दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिम्मत करें ना, चले आगे चलते हैं। कामरान साहब ये क्या हुआ कि इस्तीफों पे नज़र थी पंजाब में लेकिन बाबर गौरी जैसे, शमीम सिद्दीकी जैसे सीनियर लोगों ने आज इस्तीफे दे दिए, इस्तीफों का दौर उधर भी चल पड़ा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जहाँ तक जिन दो लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुत्तहिदा पाकिस्तान का पहले दिन से हिस्सा नहीं थे। जब 23 अगस्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करके एम के उस्मान की बुनियाद रख दी तो ये दोनों हजरात उस वक्त ना तो एम के एम पाकिस्तान का हिस्सा बने और ना आज दिन तक उसका हिस्सा थे। मुझे नहीं पता कि उनके लंदन में मामलात क्या हुए, क्यों हुए और वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो तो ज़्यादातर तरीके से वो ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने इस्तीफ़ों की बात की, अपनी पार्टी में जब
कुछ लोगों ने इस्तीफे का ऐलान करने के बावजूद पीएसबी को ज्वाइन किया, लेकिन आज दिन तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और अब तो शायद उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफे देना भी नहीं चाहते। तो आपकी तमाम बातों पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ना, जहाँ उसको कोशिश की जाए या उसमें ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए, जैसे मेरे भाई रमेश, डॉक्टर रमेश ने बात की, उनकी बड़ी प्यारी खूबसूरत बात मुझे लगी कि परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए किसी भी पार्टी के अंदर, और जब में किसी भी पार्लियामेंटेरियन की मुद्दत मुतय्यन कर दी गई है तो उसमें हम अगर ये बात करें तो नामुनासिब है। हाँ, जरूर अपोजिशन इसी नुकते पर रहिए, आवाज उठाए कि कहाँ गलत हो रहा है, इसी नुकते पर रहिए। अलामा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस्तीफों के हवाले से ही सवाल है कि कॉन्टेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर एक शख्स ने जाकर कुछ मुअज्जज लोगों के सामने अपना ईमान साबित नहीं किया तो फिर उसकी बिना पर ये इस्तीफे दिए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि ये देखिए उनका एक मुतालबा है, लेकिन ईमान के साबित करने के लिए किसी शख्सियत के पास जाना या किसी है, जो शख्स अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म करता है, असाब रसूल ईमान रखता है, उसे तो किसी के पास जाके अपना ईमान साबित करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राणा सराउल्ला साहब, चूंकि वो एक पब्लिक फिगर है, ये उन्हीं के पार्टी है जो उनसे मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज में थे, उनके एमपी भी जो है, तो मेरा ख्याल है ये मामले जो है अलामा साहब सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम मुल्की बातचीत कर रहे हैं। अल्लामा साहब, आप पे सवाल मैंने छोड़ा था, आप जवाब तो दे रहे थे लेकिन रब्ता हमारा खराब हो रहा था टेलीफोन पर आपसे, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तीफे आए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट कोई नया ट्रेंड बन रहा है मुल्क में? देखिए मैं आपको बात बड़ी वाजे है कि एक तो मसला है तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत का और दूसरा मसला है राणा साहब के इस्तीफे का। राणा साहब को भी चाहिए कि वो, मैं नहीं कहता कि वो किसी आस्थाने पे या किसी दरबार में या किसी जगह मौलवी साहब के पास जाके वो आके टीवी के ऊपर जो चीजें वजाहत कलम है वो कर रहे हैं बात, लेकिन उनको चाहिए कि एक मरतबा चाहे आपके प्रोग्राम में आके उन चीजों को वाजे कर दे ताकि ये सिलसिला खत्म हो। बाकी जहां तक सियासत की बात है तो लाजमी बात है कि हर किसी ने सियासत करनी है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि अल्लाह का वास्ता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मामला, रिसालत का मामला, वो इन तमाम चीजों से बालातर है और मैं समझता हूँ कि ये कोई एक मुतालबा नहीं, असल मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के मामले पर, कानून के मामले पर ये डाका डाला है वो कौन है, उनको कौम जानना चाहती है। और उस सिलसिला में राजा जफरुल हक साहब की रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाए बहुत सारे मसाइल हल। नहीं तो वजीर कानून जाहिद हामिद का रिजाइन आ गया ना? देखिए रिजाइन आया ना, लेकिन वो तो कहते हैं मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ इसका, तो फिर जिम्मेदार कौन है? और अगर वो जिम्मेदार है तो उनको सजा क्या? ये इस्तीफा खाली इतनी बात पे, जिस बात पे आपके मुल्क है दीन की एहसास है, ये खाली जायद आमद बेचारा तो मैं समझता हूँ एक डाखाना है जिसके जरिए ये कानून असेंबली में पहुंचा, इसके पीछे जो लोग हैं और जिस तरह इसको लाया गया है ये कोई पहली बार तो हुई नहीं, ये कोशिश हुई है, तो वो सारी चीजें कौम जानना चाहती है। और हम ये भी नहीं चाहते, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, बार बार ये कहा है कि किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो जो आदमी ये इकरार करे कि मैं अल्लाह को तौहीद को मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को मानता हूँ, असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत और सदाकत को मानता हूँ, अम्बिया को मानता हूँ जो इस्लाम के बुनियादी असूल है, उसे काफिर करार दे। और ना ही हमें शौक है, ना ही शौक होना चाहिए कि वो किसी को मुसलमान को कादियानी कहे। तो मेरा ख्याल है ये जो एक मसला है राणा सराउल्ला साहब वाला, इसमें जिद की बजाय अगर
दिक्कत की दुनिया। मैं कहता हूँ आप चारों मकासिब फिक्र के उलमा को कल बुला। अल्लाह साहब इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे मैं फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज भी शेखुपुरा जलसे में आपके जलसे ये बात हुई, अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि खत्मे नबुवत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो ताहिर अशरफी साहब ने गुफ्तगू की है, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। और खत्मे नबुवत का मामला और मजहब का मामला, मजहबी अकीदे का मामला कोई सियासत का मामला है भी नहीं है, नहीं। और मैं आपको वैसे ये बताऊं पराजा साहब कि जितनी रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का किरदार इस सारे मामले में तहरीक इंसाफ ने अदा किया है वो इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप यकीन कीजिए कि अगर यहाँ पे इमरान खान वजीर आजम होते और PMLN के लोग में होते तो आप देखते कि इस वक्त जो है वो क्या क्या यहाँ पर मामला हो रहा होता। और जिस तरह से आई मस्ट अप्रिशिएट इवन पीपल्स पार्टी को और जिस तरह से अपोजिशन का जो सारा किरदार रहा है इस मामले के ऊपर, उसको हुकूमत को तो चाहिए कि शुक्रिया अदा करे अपोजिशन का। लेकिन एक कंट्रोवर्सी चौधरी साहब, आपके लीडर जनाब इमरान खान के बारे में आई थी लेकिन बाकी सियासी जमातें भी खामोश रहीं इस मसले पे, कम अज कम इतनी बात तो आप भी एक्नॉलेज करें। होना भी नहीं चाहिए। मैं बात यह है कि तमाम पार्टीज जो है उसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह से ताहिर अशरफी साहब ने जो एक बिल्कुल आप कहें कि कूजे में बंद किया है बात को, कि ये है ही नहीं है। अकीदों के ऊपर जो है वो सियासत नहीं हो सकती, वरना तो हर शख्स को लाइसेंस मिल जाएगा यहां पर दूसरे को काफर डिक्लेयर करने का, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और बड़ी सियासी जमातें मेरा यह ख्याल है इसके ऊपर उनका कंसेंसस है, अगर मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है वो मजहबी जत्थों में हम उसको इजाजत नहीं देंगे। सियासत जो है वो असूल के तहत होती है, ये तो नहीं कि लोगों के कत्लेआम ही का जो है। आज पांच इस्तीफों को आपकी पार्टी क्या वेलकम नहीं करती? फिर तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं PTI की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए ये तो एक अंदरूनी इंतशार को जाहिर करती है, PMLN वो टूट फूट रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात से लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि ये जो मामला हुआ है इससे लोग बड़े नाराज भी हैं, और PMLN ने जो हैंडलिंग की है सारे मामले की वो जाहिर है उससे कोई भी मुतमईन। असूलन तो एक्सपेक्ट आप करें 30-35 रिजिग्नेशन एक्सपेक्ट करें और ये देर नहीं लगेगी। और जो बहुत सारे मामला हैं उनमें ये मामला भी है, लेकिन तो जो अंदरूनी खलफशार है PMLN का वो अब बाहर आ रहा है और जो जो और कमजोर होते जाएंगे और बाहर आता जाएगा। इसी नुक्ते पर ही नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इन्हीं अमूर को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। कामरान टिसोरी साहब, मुस्तफा कमाल इधर आए में वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मिले और बहुत सारी जमातें डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ मिल रही हैं, उनका एक डिमांड है मॉडल टाउन के हवाले से। आपकी पार्टी क्या मौकफ रख रही है इस इशू पे? क्या आप अपोजिशन को बैक कर रहे हैं, हुकूमत के साथ आप नहीं हैं, इंडिपेंडेंट आपकी पार्टी है? बिल्कुल, जो ताहिरुल कादरी साहब वाला जो मॉडल टाउन सानिया है उनकी जमात के साथ जो हुआ, जो गलत हुआ है, MQM पाकिस्तान ने हमेशा उस पर आवाज़ उठाई है और हमने हमेशा कहा कि उसकी आज़ादाना तहकीकात और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हों उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। नहीं, अब अगर वो तहरीक चलाते हैं बाहर आते हैं, वो तहरीक चलाते हैं बाहर आते हैं, फिर क्या पॉलिसी होगी आपकी पार्टी की? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखें, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, हर एक पाकिस्तानी का हक है कि वो अपनी इजहार राय करे और अपने जो भी तहफ़ुज़ात हैं उसका खुलकर बरमला इजहार करे। लेकिन सानिया मॉडल टाउन की हमने शदीद मज़म्मत पहले भी की है और आज भी करते हैं। पूरे मुल्क में कहीं भी, चाहे वो किसी के साथ भी, रियासती जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने जो दूसरी बात की कि अगर अब वो कोई तहरीक चलाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान एक सियासी जमात है और ताहिरुल कादरी साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात हैं उसमें ताहिरुल कादरी साहब ने हमारी जमात के साथ अभी तक कोई ऐसा राबता नहीं किया। अगर उनकी तरफ से उनके कोई नुमाइंदे हमसे राबता करेंगे तो इसमें राबता कमेटी में रखते हुए
और फिर जो भी हमारी राबता कमेटी इस पर फैसला करेगी तो वो ज़रूर हम उस फैसले के तहत चलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसा कि आपने पहली बात की थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनसे मिले हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी पार्टी है, वो उस पार्टी के तहत पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा से ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरफ से उन पर कोई पाबंदी नहीं है और ना हम पाबंदी लगा सकते हैं। वो अपनी सियासत बिल्कुल इसी नुक्ते पर रही, इसी नुक्ते पर रही है, हक है इसी नुक्ते पर। डॉक्टर साहब, आपने बात सुन ली कि 2 MNA 3 MPA से बढ़ के वो कह रहे हैं कि 30-35 इस्तीफे आने वाले हैं, क्राइसिस तो बनता नज़र आ रहा है, आपकी पार्टी देख भी रही है इसको? मैं समझता हूँ मेरे दोनों भाइयों ने जो बात की है, मैंने इसको तफसीली से देखा भी है और इसके ऊपर मैंने कालम भी जंग और दी न्यूज़ में लिखे हैं। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि ये टॉपिकल एरर नहीं है, और जो ये ख़त्म नबूवत वाली जो बात जो हुई है, ये क्यों हुई के बाद जो चीज़ें हुई हैं, जो वे अपनाया गया एहतजाज का, वो भी सही नहीं था। यहाँ पे अगर एक गवर्नमेंट को प्रेशर किया गया कि भाई गवर्नमेंट जो है जाहिद अहमद प्रेशर दे, प्रेशर के ऊपर इस्तीफ़ा दे, अगर इसकी बिल्कुल सही होनी चाहिए थी तो मैं तो समझता हूँ कि 34 MNA जिन्होंने 100 मीटिंग्स जो की है, 100 मीटिंग्स, तो इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना करेज होना चाहिए था जो आज ये बात भी कर रहे हैं। मैं तो इमरान खान को कहूँगा कि अपने जो 4 मेंबर हैं, आप अगर असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन हो, और असेंबली के अंदर चलो ओवरलुक हो सकता है, मगर कमेटी की लेजिस्लेशन में आपकी मौजूदगी और आपको पता नहीं चले कि इतनी बड़ी लेजिस्लेशन है, आपकी चाहे ये लेजिस्लेशन हो या 203 की लेजिस्लेशन जो भी हुई, तो आपने उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया? आप करेज दिखाएं अपने चारों लोगों को। आपसे कहा है ना कि आप प्रोसीडिंग्स पब्लिक कर दें, उस कमेटी चारों ने पब्लिक कर रहे हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मिनट भी अवेलेबल है। राजा जफर अलग ने यही लिखा है, राजा जफर अलग ने यही लिखा है कि भाई जो 34 मेंबर जो है, ये एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मगर प्रेशर दिया, अगर प्रेशर दिया जा रहा है, मगर फिर भी जाहिद अहमद से रेजिग्नेशन था, हमेशा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने जफर उल हक कमेटी रिपोर्ट पढ़ ली है? देखिए, जो भी आज मैं तो देखो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मगर मैं समझता हूं, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी का है ना कि उसमें सारे मेंबर सबको जिम्मेदार है, बात आ गई है अनऑफिशियली, तो बड़ी अहम बात है कि आपने पढ़ ली है पहले। फवाद भाई, जो अनऑफिशियली बातें उसके मुताबिक ये आप एक के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालना, जो 34 मेंबर जो इस वक्त इस कमेटी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये है कि जफर रिपोर्ट तब्दील हो रही है। क्यों तब्दील हो रही है भाई? नहीं, आप तो कंटेंट बता रहे हैं ना, फिर सब में जो मतलब ये है कि आप जो पब्लिक ही नहीं हुई आज बढ़ ली है 34 नहीं, पब्लिक आप सबको अनऑफिशियली, आप क्या, आप जो मेंबरान जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप एक के ऊपर डाल रहे नहीं, हैं। जफर उल हक ने रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है उसको पब्लिश करें। अलामा साहब की राय ले, राजा जफर उल हक तो फिर भी हमारा बंदा है भाई, आप अपना करेज दिखाएं। इमरान खान अपने बंधु से पूछे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, वो 4 बंदे जो आपकी तरफ से थे उनको उनसे पूछे कि भाई अलामा साहब की राय ले लेते हैं, आप जो कमेटी प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिक कर दें, वो तो रिकॉर्ड होती है और उनके मिनट्स भी बनते हैं, आप पब्लिक कर दें, पता चल जाएगा हमारे बंदों के सामने रखा था आपने कि नहीं, उसके बगैर कैसे वो असेंबली में पास, अलामा साहब की राय ले लेते हैं, अलामा साहब की राय ले लेते हैं, रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, नहीं वो हो जाएगी टाइम पे, हर सारी चीजें हो जाएंगी, मगर करेज दिखाना है। टाइम पे क्यों हो जाएगी? मैं अगर कमेटी में होता, मैं अगर कमेटी में होता तो मैं तो कहता भाई मेरी नेगलिजेंसी है, मेरी नाउली है कि मेरे सामने ये हुई। चल इसी नुक्ते पे अलामा साहब आप पब्लिक करें ना, हम तो कह रहे हैं हमारी तो कह रहे हैं कमेटी में डिस्कस ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि हुआ है तो आप रिपोर्ट पब्लिक कर दें, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी पब्लिक कर दें, कमेटी के अंदर अप्रूव नहीं हुई। मैं अलामा साहब असेंबली के फ्लोर पे कहा कि हर चीजें ईमेल करता था, मैं हर चीज ईमेल करता था। अलामा साहब आपकी राय जानना चाहिए, पब्लिक करें पता चल जाएगा। अलामा साहब, पहले तो मेरा ख्याल है मेरे दोस्त डॉक्टर साहब को असेंबली के मेंबर है, इन्होंने शादिया मरी की तकरीर नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो ये मौजूद था बहस है, तो वो
नाजिया मरी ने कौमी असेंबली में खड़ी होकर कहा कि हम रात को कोई चीज दे के जाते थे, सुबह कोई चीज हुई होती थी। ये गलत थी, हमने उसी टाइम क्लियर किया मौलाना साहब। एक मिनट भाई साहब प्लीज मुझे बात करने दीजिए। बात जी अलामा साहब, बात कर दिया, अब हमें भी बात नहीं करने दे। अलामा साहब जी, अलामा साहब क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ एहतजाज करे और वो लाहौर से लॉन्ग मार्च करके गुजरांवाला पहुंचे और जनरल कियानी एतजाज साहब को फोन करे कि चौधरी इफ्तिखार एहतजाज जायज है, अगर मियां साहब इस्लामाबाद से निकल के लाहौर की तरफ आए, जीजी रोड चार दिन बंद रहे, वो एहतजाज जायज है। और अगर इस मुल्क की असास पे हमला करने वालों, खत्मे नबूवत पे हमला करने वालों के खिलाफ मुजाहरा किया जाए, एहतजाज किया जाए, तो वो नाजायज है। खुदा के लिए ये जमहूरी मुल्क है कि यहाँ कोई आमरियत है? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि आप हजरात चाहते क्या है। अगर पाकिस्तान नहीं, मैं कहता हूँ ये गलत हुआ है, मैं तो कहता हूँ आपके साथ। आप शर्म पे बात कीजिएगा ना, मेरी बात तो सुन रहे हैं आप अपनी, अपना मौका मिलेगा। अलावा साहब मैं कहता हूँ ये गलत हुआ है ना, ये गलत हुआ है, मगर जो गलत हुआ है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उन चौंतीस देते हैं। बात तो कर लेना जी जी। अलावा साहब जी, मुतालबा क्या कर रहे हैं हम? मुतालबा ये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है वो जाहिद हामिद है या ए है या बी है या सी है, उनको आप कौम के सामने ले आए। और अगर 32 लोगों ने किया है तो 32 को सामने ले आए, अगर 400 ने किया है तो 400 को सामने ले आए। इसमें तो कोई जाहिद हामिद अकेला कोई निशाना नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपके राजा जफरुल हक साहब हैं, आप उसको सामने ले आए ताकि ये मसला खत्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्क की फिजा ये है। मैं इस वक्त साउथ पंजाब और इस वक्त फैसलाबाद पहुंचा दौरे पर हूँ कि अगला इंतखाब इस वजह से खत्म नबूवत के गद्दारों और खत्म नबूवत के वफादारों के दरमियान नारे से होगा। मेरी आज बात लिख लीजिए आप, ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत नहीं, बड़ा, मानता मसला, बड़ा मसला है। मैं मानता हूँ बड़ा मसला है, और इस मसले का हल जो है नहीं हो सकता कि आप जिद पकड़ लें। आप मुझे आप बताइए कि अगर ये पहले दिन जाहिद हामिद साहब का इस्तीफा आ जाता, ना 10 लाशें गिरती, ना इस्लामाबाद बंद होता, ना मुल्क के अंदर ये हालात। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए मेरा ख्याल है कुछ लोग चाहते हैं कि इस हुकूमत को धक्का दे दे, और वो लगे हुए हैं। जो खल्फशार की बात, ये बात जो खल्फशार की बात कर रहे थे, यही चाह रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये इतना सेंसिटिव मैटर था, असेंबली के अंदर भी बात करके सारे लीडरान बैठ के उसको देख सकते थे। ये नौबत आई क्यों? 34 मेंबरों से बुलाते, सारी एक गोल वो मामला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कोई मामूली चीज नहीं हुई है। सुने डॉक्टर साहब, इसी नुक्ते पे रहिएगा। फवाद चौधरी साहब, अब ताहिरुल कादरी साहब भी रिजाइन मांग रहे हैं। जो आज रिजाइन आए वो और कॉन्टेक्स्ट में थे, अल्लाह कादरी और वजह से रिजाइन मांग रहे हैं राणा सनाउल्ला का। राणा सनाउल्ला साहब अभी रिजाइन नहीं दे रहे, जाहिद हामिद जैसे पहले रिजाइन नहीं दे रहे थे, इसी तरह वो हो गया रिजाइन। अब इनके रिजाइन के लिए क्या फाइनल यही है कि सारी पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पार्टी, मुस्लिम लीग काफ मिलकर तहरीक चलाएंगे ये? फिर पहली बात तो यह है पराचा साहब कि हमारे मुल्क में रिजाइन देता कौन है? रिजाइन तो लेना ही पड़ता है, और जो जो रिजाइन हुए हैं कौन सा किसी ने इज्जत से दे दिए हैं? तो राणा सनाउल्ला साहब भी और शहबाज शरीफ रिजाइन देंगे तो नहीं, रिजाइन तो लिया ही जाएगा। अब रिजाइन लेने की तरफ ही जा रहे हैं, बस इंशाल्लाह ठहर जाएं, कोई हफ्ता और दे दें, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। ये जो सिंध का रुख कर रहे हैं आपके लीडर, मिलके कैसे काम करेंगे? कल परसों इमरान खान कह रहे थे कि वो सिंध जा रहे हैं, कराची जाएंगे, तो फिर इकट्ठे होने में रुकावट। फवाद भाई एक मिनट मुझे ये बताएं, ये तो चीज आज मानने जैसी है कि PMLN एक वाहिद फोर्स है जिसके पीछे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिल रही है। नहीं मिल रहे ना, मैं वही तो उनके साथ सामने सवाल रख रहा हूं। नहीं जी, पीपल्स पार्टी से तो हम इकट्ठे नहीं चलेंगे, और हमारा मानना यह है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनकी पीपल्स पार्टी और PMLN एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उनकी लीडरशिप और पार्टी तो जाहिर है कि उसमें अच्छे लोग भी हैं और पार्टी बहुत बड़ी पार्टी भी है। लेकिन जो अगर आप ये कहें कि जरदारी साहब के साथ हम कहेंगे या उनके साथ हम हुकूमत के खात्मे के लिए, उस पे हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और हम अपना जो हमारी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, ताहिरुल कादरी
जो बाकी साहबान हैं उनकी एक अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक सियासत करते हैं, हम अपनी सियासत के मुताबिक सोच करते हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो आके यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है तो सबसे पहले तो नंबर किसका आना है, बड़ी से? तो जाहिर है कि वो तो फिर बात नहीं आगे चलने। मुझे 163 मेगावाट अगले हफ्ते इमरान खान कह रहे हैं कि वो सिंध आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, और वो वहां पर बिल्कुल जो करप्शन की बातें कर रहे हैं वो कहते हैं इन करप्ट अनासफ वो मूवमेंट लॉन्च करेंगे कराची में, सिंध में आप वेलकम करेंगे, आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी देख रही है सूरत हाल को? देखें, इमरान खान साहब 100 बार कराची आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो कभी, बल्कि इनके जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एमक्यूएम के आर्जी मरकज़ भादराबाद भी तशरीफ़ लाए थे और हमने उनका इस्तकबाल भी किया था। हमें इमरान खान साहब से लेकिन वो काम तो मुकम्मल नहीं हुआ था, अपोजिशन लीडर की तब्दीली वाला, इसीलिए आए थे ना? वो एक बात उनकी तरफ से आई थी और हमने नेशनल इंटरेस्ट में उस वक्त उनके लिए हम तैयार थे, लेकिन आपकी बात सही है कि वो बात आगे नहीं चली। लेकिन मैं यहाँ आपकी तवज्जो जिस लिहाज से आप कह रहे हैं कि अगर वो करप्शन के खिलाफ बात करने आते हैं तो बिल्कुल 100 बात करें, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सियासी तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान इंसाफ से किसी सूरत में भी ना खौफजदा है ना उनके आने से घबराती है, क्योंकि कराची में PS-114 के इलेक्शन में इमरान खान साहब और उनकी तमाम इनकी क्यादत बहुत दफ़ा आई, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने बावजूद इसके के बाई इलेक्शन और धांधली थी 18,000 वोट लिए, और तहरीक इंसाफ के बहुत ही सीनियर कैंडिडेट ने नजीब हारून साहब ने 5,000 वोट लिए। तो मैं समझता हूँ कि कराची में सियासी तौर पर तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो करप्शन पर बात करने आ रहे हैं और वो कराची आएँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हम उनसे किसी सूरत में भी। हाँ, लेकिन मैं फवाद ज़रूर कहूँगा कि कराची के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं उन पर वो ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि इनकी जो तहरीक इंसाफ है उसके कुछ ऐसे अनासर हैं जिनका ज़िक्र मैं मीडिया पर नहीं करना चाहता, फवाद भाई से अलहदा मैं ज़रूर कर लूँगा, कि जो खुद तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर डेंट लगा रहे हैं। आप उनकी फिक्र कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनके एक नाम नेहाद खुद साख्ता जो लीडर बन रहे हैं यहाँ कराची में, जिनके पास पार्टी होता है, वो तो मीटिंग में बैठते हैं, वो तो आपकी एमकेएम वाली मीटिंग में बैठते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर मर्जर करवाना चाहते हैं, और वो ये कह रहे थे मीटिंग में कि वो नहीं चाहते कि पीएसबी और एमक्यूएम के मर्जर की वजह से कराची का वोट बैंक डिवाइड हो, तो मैं तरीके इंसाफ से कहूँगा कि वो उन साहब के खिलाफ ज़रूर सोचें कि जो हमारे वोट बैंक की फिक्र कर रहे हैं और तरीके इंसाफ में रहते हुए, तो ये बड़ी एक ऐसी बात है जिस पर जरूर फवाद भाई भी तवज्जो। इसी नुक्ते पर ये मैं फवाद चौधरी साहब से ही राय ले लेता हूँ, आपकी राय चाहिए जो इन्होंने कहा, और फिर आज एमकेएम के जो इस्तीफे आए 4 उस पर भी आपकी राय चाहूंगा, टाइम भी जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, कमरान भाई ने कहा है कि मिलेंगे और मामला करेंगे, इंशाल्लाह ताला बात सुनेंगे करेंगे, लेकिन जहाँ तक बाकी मुझे समझ नहीं आई कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या वो बोरान कौन है, बैठे थे पीएसपी और आरएफ अलवी साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो देख लेंगे कि उसको वो क्या उनका मामला है। आरएफ अलवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं जाहिर है वहाँ के सिंध के, और उसको देखेंगे, बाकी जो लोकल लीडरशिप है कराची की वो उसको देख रही होगी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपने एमकेएम का की बात की है, देखिए कराची का इंटरेस्ट यह है कि कराची नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखे। हमने 1974 से ये जब ऐसे लिसानी फसादात हुए, ये नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखने का क्या मतलब है चौधरी साहब? चौधरी साहब, आप फरमा रहे हैं कि कराची नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखे, इसका क्या मतलब है? देखिए, वहां कराची की और सिंध की सियासत है वो 1972-74 के बाद से डिवाइडेड।